असलम माई नेम इज़ आसमा आसिफ आई एम फ्रॉम बी बी ए फिफ्थ एंड माई रोल नंबर इज़ वन टूडे माई प्रेजेंटेशन टॉपिक इज़ मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम वट इज़ मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केटिंग होती क्या है आप कोई बिजनेस कर रहे हो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप उस प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग करते हो लोगों को उसके बारे में अवेयर करते हो लोगों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हो उसे हम मार्केटिंग कहते हैं और रिसर्च रिसर्च बेसिकली किसी भी चीज़ की तलाश का नाम होता है हम किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन फ़ाइंड आउट करना चाहते हैं जब हम मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम की बात करते हैं तो हम बिजनेस से रिलेटेड मार्केटिंग और रिसर्च से रिलेटेड बात करते हैं जैसे कि अगर आपका कोई बिजनेस है आप कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप रिसर्च करवाते हो नहीं तो अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है अभी तो आप पहले रिसर्च करवाते हो लोगों को देखते हो कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं रिसर्च के उनको पसंद क्या है उनकी नीड्स क्या हैं उनकी वॉन्ट्स क्या हैं ता, ताकि आप उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना सको और उनको अपनी तरफ ला सको इसे हम मार्केटिंग रिसर्च कहते हैं मार्केटिंग इनसाइट क्या होता है ये मार्केटिंग इनसाइट हमें डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि हम ये जो चीज़ें करते हैं वो क्यों और कैसे करते हैं और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर हम कोई रिसर्च करवा रहे हैं तो हम उसमें कौन कौन से अफेक्ट वो रिसर्च करवा क्यों रहे हैं बेसिकली और हम वो कैसे करवाएंगे और उसका हमें क्या फ़ायदा होगा जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं वॉलमार्ट की उसने एक एक्सटेंसिव कंज्यूमर रिसर्च स्टडी करवाई थी ये जानने के लिए कि उसका की कम्पैटिटिव एडवांटेज क्या है तो उसे पता चला कि जो उसका फंक्शनल बेनिफिट है कि ऑफ़र लो प्राइसेस वही उसका की कम्पैटिटिव एडवांटेज है और जो इसका इमोशनल बेनिफिट है वो ये कि लोगों को वो स्मार्ट शॉपर फील करवाते हैं और इस इनसाइट को यूज़ करते हुए उन्होंने अपनी सेव मनी लिव बेटर कैंपियन डिवेल्प की थी मार्केटिंग इनसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर मार्केटर्स के पास कंज्यूमर इनसाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन सही नहीं होगी तो ये उनको ट्रबल में डाल सकता है बेसिकली फिर मार्केटिंग रिसर्च किसे कहते हैं हम अगर इससे वर्ड टू वर्ड डिफाइन करें तो ये सिस्टमेटिक डिज़ाइन कलेक्शन एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डाटा एंड फाइंडिंग्स है जो कि किसी मार्केट स्पेसिफिक मार्केट सिचुएशन से रेलीवेंट होता है यानी कि मार्केटिंग रिसर्च में हम किसी पहले डाटा कलेक्ट करते हैं उसको एनालाइज करते हैं फिर उसको रिपोर्ट करते हैं और फाइंडिंग्स को और डाटा को और फिर हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं उसकी कॉज ढूंढ लेते हैं उसके इफेक्ट्स ढूंढ लेते हैं नाउ कमिंग टुवर्ड्स आर नेक्स्ट स्लाइड मैथडस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च फॉर स्मॉल कंपनीज स्मॉल रिसर्च मैथड सिर्फ लार्ज कंपनीज तक लिमिटेड नहीं रहा बल्कि स्मॉल कंपनीज भी रिसर्च मैथड को यूज कर सकती हैं क्रिएटिव और अफोर्डेबल वे में वो ये कैसे कर सकती हैं वो डिफरेंट स्टेप से कर सकती हैं नंबर वन इज इंगेजिंग ऑफ स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स टू डिज़ाइन एंड कैरी आउट प्रोजेक्ट वो स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स की मदद से अपने प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट कर सकते हैं जैसे कि वर्ल्ड पूल ने करवाया था इनोवेशन चैलेंज के नाम से एम बी स्टूडेंट्स के दरमियान एक कंपटीशन अपने प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने के लिए सेकंड वन इज़ यूजिंग द इंटरनेट इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप कंसीडरेबल इन्फॉमेशन हासिल कर सकते हैं वो भी बहुत मिनिमम कॉस्ट में आप अपने कंपेटिटर्स की वेबसाइट को एग्जामिन कर सकते हैं और इससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर सकते हैं नंबर थ्री इज़ चेकिंग आउट राइवल्स राइवल्स को चेक करते रहना बहुत से स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं जैसे कि रेस्टोरेंट्स होटल्स स्पेशलिटी रिटेलर्स वो रूटीनली विज़िट करते हैं अपने कंपेटिटर्स को ये देखने के लिए कि वो कौन कौन से चेंजेस कर सकते हैं और वो कैसे अपने कस्टमर्स उनके कस्टमर्स को अपनी तरफ ले जा सकते हैं नंबर फोर्थ इज़ टेपिंग इनटू मार्केटिंग पार्टनर एक्सपर्टाइज कि मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स एड एजेंसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स जहाँ दूसरे मार्केटिंग पार्टनर्स वो रेलिवेंट मार्केट नॉलेज जो शेयर करते हैं जो उन्होंने एक्यूमुलेट की है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है नाउ कमिंग टूवर्ड्स आर नेक्स्ट स्लाइड मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स थ्री टाइप्स के होते हैं सेंडिकेट सर्विस रिसर्च फर्म्स कस्टम मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स स्पेशलिटी लाइन मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स सेंडिकेट सर्विस रिसर्च फर्म्स कौन से होते हैं ये फर्म्स कंज्यूमर और ट्रेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर इसको सेल करते हैं आप इसमें किसी भी भी कंपनी की एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि नेल्सन कंपनी कैंटार ग्रुप वेस्टेड एट्सट्रा नाउ सेकेंड इज कस्टम मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स ये फर्म्स हायर किए जाते हैं कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने के लिए ये अपनी स्टडी को डिजाइन करते हैं और फिर फाइंडिंग्स को रिपोर्ट कर देते हैं नंबर थ्री स्पेशलिटी लाइन मार्केटिंग रिसर्च फर्म ये फर्म्स स्पेशलाइज्ड रिसर्च सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ये बेस्ट एग्जांपल है फील्ड सर्विस फर्म की जो कि फील्ड इंटरव्यूइंग सर्विसेज़ दूसरे फर्म्स को सेल करती हैं नाउ कमिंग टूवर्ड्स आर नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस व्हाट इज़ मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस हम मार्केटिंग रिसर्च किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं कौन सा तरीका यूज करते हैं कौन से मेथड यूज़ करते हैं इसके टोटल सिक्स स्टेप्स हैं नंबर वन इज डिफाइन द प्रॉब्लम नंबर टू इज़ डिवेल्प द रिसर्च प्लान नंबर थ्री इज़ कलेक्ट द इंफॉर्मेशन नंबर फोर इज़ एनालाइज द इंफॉर्मेशन नंबर फाइव इज प्रेजेंट द फाइंडिंग्स नंबर सिक्स इज मेक द डिसीजन यानी आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो फिर एक रिसर्च प्लान बनाते हो फिर उससे रिलेटेड इन्फॉमेशन कलेक्ट करते हो उसको एनालाइज करते हो और फिर फाइंडिंग्स को प्रेजेंट कर देते हो और उस फाइंडिंग्स को उन फाइंडिंग्स को माइंड में रखते हुए हम डिसीजन लेते हैं नेक्स्ट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस स्टेप वन इज़ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव सबसे पहली बात तो किसी भी प्रॉब्लम को कभी भी बहुत ज़्यादा ब्रॉडली या नैरोली डिफाइन नहीं करते अगर आप ब्रॉडली डिफाइन करोगे प्रॉब्लम को तो इससे हम हमें एक्सेसिव वेस्टेज होगा रिसोर्सेज का और अगर नैरोली डिफाइन करेंगे तो हमें एडिक्योट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो कि रिक्वायर्ड होती है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए इसलिए हमें पहले सबसे क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं यानी कि हमारा रिसर्च हमें रिसर्च क्या करना है और हम ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं हमारा कंटेंट स्कोप और डिसीजन जो कि हम इससे रिलेटेड बनाएंगे ये हम किसी भी वे में कर सकते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव के थ्रू या कैजुअल रिसर्च के थ्रू एक्सप्लोरेटरी के थ्रू हमारी प्रॉब्लम यह हमें हेल्प करेगा प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने में और हाइपोथेसिस सजेस्ट करने में अगर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की तरफ जाएँ तो ये हमें कंज्यूमर के एटीट्यूड्स और डेमोग्राफिक्स या मार्केट पोटेंशियल के बारे में बताता है प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर हम कैजुअल रिसर्च की बात करें तो यह हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की हाइपोथसिस को टेस्ट करने में हेल्प देता है नाउ कमिंग टूअर्ड सेकेंड स्टेप दैट इज़ डिवेल्प द रिसर्च प्लान हम रिसर्च प्लान डिवेल्प करना है रिसर्च प्लान डिवेल्प करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना वो हम कैसे कर सकते हैं इंफॉर्मेशन हम डिफरेंट um, चीज़ों के थ्रू कर सकते हैं जैसे कि डाटा सोर्सेज रिसर्च अप्रोच रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स सैम्पलिंग प्लान कॉन्टैक्ट मेथड्स इन चीज़ों के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं हमारे टॉपिक में हम जस्ट दो चीज़ें स्टडी करेंगे डाटा सोर्सेज एंड रिसर्च अप्रोच डाटा सोर्सेज क्या होती हैं डाटा सोर्सेज यानी आप इंफॉर्मेशन सेकेंडरी डाटा से सिलेक्ट कलेक्ट uh, कर रहे हो या प्राइमरी डाटा से सेकेंडरी डाटा कौन सा डाटा होता है जो ऑलरेडी किसी और पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया गया होता है और वो समवेयर एग्जिस्ट कर रहा होता है नहीं तो आप प्राइमरी डाटा की तरफ जा सकते हैं प्राइमरी डाटा फ्रेशली गैदर्ड डाटा होता है जो कि स्पेसिफ़िक पर्पस या स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है ज़्यादातर रिसर्च रिसर्चर्स सेकेंडरी डाटा को प्रेफर करते हैं लेकिन अगर सेकेंडरी डाटा इनकेट इनकम्प्लीट या अन हो तो रिसर्चर प्राइमरी कोलेक्टर डाटा कलेक्ट करने की तरफ जाता है प्राइमरी डाटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं हम रिसर्च अप्रोच के थ्रू कलेक्ट करते हैं और ये कौन कौन सी हैं ऑब्जर्वेशनल रिसर्च फोकस्ड ग्रुप रिसर्च सर्वे रिसर्च बिहेवियरल डाटा एंड एक्सपेरिमेंटल डाटा सबसे पहले ऑब्जर्वेशनल रिसर्च ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का हमारा क्या होता है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में हम जस्ट ऑब्जर्व करते हैं फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट बनाया है आप देखना चाहते हो कस्टमर्स के रिएक्शन उससे रिलेटेड क्या है उनका बाइंग बिहेवियर क्या है आप कस्टमर आपके स्टोर पर आपकी कंपनी में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट जब बाई करने आता है तो आप एक साइड पर रह जस्ट ऑब्ज़र्व करते हो कस्टमर के रिएक्शंस uh, को उसके बाइंग पैटर्न को उसकी प्रेफरेंसेस को इसे हम ऑब्ज़र्वेशनल रिसर्च कहते हैं ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में एथनोग्राफिक रिसर्च यूज़ होती है एथनोग्राफिक रिसर्च एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशनल रिसर्च अप्रोच होती है जिसमें हम एंथ्रोपोलॉजी और सोशल साइंस डिसिप्लिन के रूल्स और कॉन्सेप्ट को टूल्स को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करते हैं हाउ पीपल लिव एंड वर्क ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एथनोग्राफिक रिसर्च वो एस्पेक्ट्स हमारे सामने लाती है जो कि अनकवर और अन आर्टिकुलेटेड डिजायर्स होती हैं जो कि कस्टमर्स की वो हम एथनोग्राफिक रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च जस्ट कंज्यूमर कंपनीज़ के लिए नहीं होती बल्कि हर टाइप की इंडस्ट्री एथनोग्राफिक रिसर्च को यूज़ कर सकती है एथनोग्राफिक रिसर्च की मदद से मार्केट्स डिवेल्प कर सकते हैं हम फार फ्लंग रूरल एरियाज़ में जो कस्टमर्स होते हैं कंपनीज़ के जिनके बारे में कंपनीज़ को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती उनके बारे में नॉलेज और डाटा इकट्ठा कर सकती है कंपनी नाउ कमिंग टूअर्ड्स आर नेक्स्ट अप्रोच इज़ फोकस्ड ग्रुप अप्रोच फोकस्ड ग्रुप रिसर्च क्या होती है इसमें सिक्स टू टेन पीपल्स को हम गैदर करते हैं इन्वाइट करते हैं एक मॉडरेटर होता है और उन्होंने डिस्कशन करनी होती है किसी भी टॉपिक के फॉर एग्जांपल आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो उससे रिलेटेड उनको इंफॉमेशन देते हो उनको इकट्ठे करते हो और वो डिस्कशन करते हैं एक मॉडरेटर की मौजूदगी में वो बेशक प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सर्विस से रिलेटेड हो ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी मार्केटिंग एंटिटी से रिलेटेड मॉडरेटर का काम होता है कि वो इस ग्रुप इस को टॉपिक से हटने ना दे वो उससे डिफरेंट क्वेश्चन करे और उस पर इनके ओपिनियंस शो हो ये बेसिकली वन मिरर साइड रिसर्च होती है एक साइड पर मैनेजमेंट बैठी होती है मिरर के ऑपोजिट साइड पे और वो इन लोगों के रिएक्शंस ओपिनियंस हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रही होती है नाउ कमिंग टुवर्ड्स अर नेक्स्ट रिसर्च मेथड दैट इज़ सर्वे मेथड सर्वे मेथड बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए बेस्ट सूटेड है कंपनीज़ सर्वेस करवाती हैं ताकि वो लोगों के नॉलेज उनके बिलीव्स उनकी प्रेफरेंसेस और सेटिस्फेक्शन के बारे में जान सकें इसके लिए एक सर्वे इंस्ट्रूमेंट का होना ज़रूरी है उसको डेवलप करना ज़रूरी है ताकि हम रिस्पोंडेंट से जिसके थ्रू क्वेश्चन पूछ सकें और वो उसको फिलअप करें फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन मेथड यूज़ कर सकते हैं नाउ कमिंग टूअर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक बिहेवियरल डाटा बिहेवियरल डाटा क्या होता है कस्टमर्स जो बेसिकली सर्वे में उन्होंने स्टेटमेंट्स दी होती हैं वो इतनी रिलाईबल नहीं होती जबकि कस्टमर की एक्चुअल परचेज रिफ्लेक्ट करती है उसकी एक्चुअल प्रेफरेंसेस को और ज़्यादातर बिहेवियरल डाटा में ऑब्जर्वेशंस ने शो किया है कि जो हाई इनकम ग्रुप कंज्यूमर्स होते हैं वो बाई एक्सपेंसिव कंज्यूमर गुड्स बाय नहीं करते जबकि लो इनकम कंज्यूमर जो होते हैं वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बाय करते हैं जबकि उन्होंने सर्वे uh, में अपनी प्रेफरेंसेस ऑपोजिट शो करवाई होती हैं नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मोस्ट साइंटिफिकल साइंटिफिकली वैलिड रिसर्च है वाई बिकॉज हम इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं हम इसमें एलिमिनेट कर देते हैं कंपीटिंग एक्सप्लनेशन को ऑब्जर्व फाइंडिंग्स की अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो हाइपोसिस हैं नल हाइपोसिस और अल्टरनेटिव हाईपोसिस और आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट आपको मिलता है कि आपकी अल्टरनेटिव हाइपोसिस एलिमिनेट हो गई है तो आपको बिल्कुल एकोरेट रिजल्ट मिल जाते हैं इसलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेस्ट रिसर्च मैथड होता है सही डाटा कुलेक्ट करने का और प्रॉब्लम से रिलेटेड सही एक्सपेरिमेंट करने का आज का जो हमारा टॉपिक था वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तक था थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़